22 जनवरी यानी कि आज भगवान श्री राम अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान हो चुके हैं। उनके विराजमान होने पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। साथ नगरी आगरा में भी यह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नौलक्खा बाजार कमेटी की ओर से बाजार में केसरिया ध्वज लगाकर और लाइटिंग कर धूमधाम से उत्सव का आनंद लिया गया। साथ ही बाजार कमेटी ने हवन कर भगवान श्री राम के नाम की आहुति दी। कैसा था नौलक्खा बाजार कमेटी मंच का नजारा, देखिए इस रिपोर्ट में। सज गया पूरा देश, सज गया प्रदेश, सज गया शहर, सज गया हर गली मोहल्ला। हर तरफ है भगवान श्री राम का हल्ला। बोलो जय श्री राम। आज हम आए हैं सदर बाजार के, आगरा के सदर बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं राम भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो चुके हैं और भगवान श्री राम के स्वागत की तैयारी जो राम भक्त काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, आज उनको वो दिन देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं कितनी खुशी है आज के इस दिन को लेकर। अज्जू चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग वाहिनी। देखिए देखिए, सरयू मैया का जल हाथ में शपथ ले करके जो राम भक्तों ने सौगंध खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आज यह सपना चरितार्थ हो रहा है। पूरे देश में एक खुशी की लहर है और ये बच्चा बच्चा जो है राम बना हुआ है। आज ये केवल मंदिर का प्रश्न नहीं था, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न चिन्ह था। आज वह चरितार्थ हो रहा है, सारी दुनिया हमारे रामलला का भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा दे रही है। मेरी सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अगर हम बात करें राम मंदिर की तैयारियों को लेकर, तो आगरा शहर में किस तरीके की तैयारी की गई आज के इस दिन को लेकर, किस तरीके की तैयारी? देखिए, आगरा के अंदर बहुत उत्साह है और गली गली के अंदर सभी जितने भी स्वयंसेवक थे, राम भक्त थे, हिंदूवादी कार्यकर्ता थे, सभी ने एक एक घर में हम लोगों ने अक्षत दिए हैं जो प्रभु श्री राम की जन्म स्थली से आए थे। और प्रत्येक घर आज अयोध्या बना हुआ है, प्रत्येक मंदिर आज राम मंदिर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, और पूरे शहर की जनता में बहुत अधिक उत्साह है। अज्जू चौहान ने बताया कि प्रत्येक घर अयोध्या बना हुआ है, प्रत्येक मंदिर राम मंदिर बना हुआ है। आइए और राम भक्तों से बात करेंगे, कैसा उनमें उत्साह है। मैं तो इतना, मैं जितेन चाहर देवी रोड से, आप देख ही रहे हैं पूरा राममय हो चुका है, पूरा शहर राममय हो चुका है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितना उत्साह है लोगों का? बहुत उत्साह है। मैं विक्रम सिंह चाहर रेलवे पुलिस से हूँ अजय, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, आगरा का ही निवासी हूँ। आज देश भक्ति का जो अयोध्या में जो मंदिर बनना है वो हमारे योगी जी और मोदी जी की अथक प्रयास से बन रहा है। कार सेवकों ने जो बलिदान दिया था, उस बलिदान का दिन आज आया है और उन्होंने करके दिखा दिया, मोदी जी ने, योगी जी ने, कि राम मंदिर बन के रहेगा। डेट तय नहीं की थी लेकिन राम मंदिर बना, आज भव्य प्रोग्राम है, वहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो सनातन धर्म को इतनी बुलंदियों पे पहुँचाया उन्होंने, विश्व में पताका फहराया उन्होंने, आज विश्व गुरु बनने वाला है। आज के बाद देखिए आप कि विश्व में भारत देश कहाँ तक पहुँचता है और विश्व गुरु कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता था कि हमारी जो पीढ़ी है इस राम मंदिर के निर्माण को देख पाएगी, लगता था इस चीज़ को? नहीं, ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हुए हैं और योगी जी की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से राम राज्य ला दिया है। हमारे मोदी जी 11 दिन से उपवास में, केवल नारियल पानी के ऊपर, और जगह जगह वो भ्रमण कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, और उन्हीं की तपस्या, योगी जी और मोदी जी की तपस्या की वजह से आज हमारा युवा जो सनातनी है वो आज देख पा रहा है कि हाँ, आज हम लोग देख पा रहे हैं कि मंदिर वही बन रहा है। रामराज आ चुका है, लोगों में उत्साह है, हर तरफ जय श्री राम के उद्घोष है, हर तरफ शंखनाद है। जानेंगे राम भक्तों से किस तरीके का महसूस करें, क्या कितना उत्साह है इसको लेकर? बहुत उत्साह है, हमारे भारतवर्ष में पूरा सही तरीके से चल रहा है, और ये मोदी जी, हम योगी जी की बड़ी कृपा है। आने वाले टाइम में युग युग तक जनता ने याद करेगी कि जो ये काम करके जा रहे हैं, इनके इनके अलावा कोई काम कर नहीं सकता, ये आने वाले टाइम में पूजे जाएंगे। जय श्री राम। राम मंदिर की इस आहुति में पुरुष ही नहीं, महिलाओं का ही, मातृशक्ति का काफ़ी योगदान रहा है। आज हमारे साथ मातृशक्ति मौजूद है, जानेंगे कितना उत्साह है महिलाओं में। देखो, जैसे कि आज राम मंदिर
देश में जो उत्सव मनाया जा रहा है, जो हर मंदिर हर मस्जिद हर अभी घर घर में जो दीपक जलाकर दिवाली मनाई जा रही है, 500 साल के बाद ये उत्सव आया है। आज हमने भी हिंदू महासभा वाले अंग्रेजों का स्वागत करके उत्सव मनाया, दुपट्टा पहना कर पगड़ी पहना कर जिन्हें खूब डांस किया है, खूब उनने उत्सव मनाया है। और जे दिन इतिहास में एक नाम लेने वाली चीज़ है, मैं मीना दिवाकर एक वादा करती हूँ कि हर 25 जनवरी को 22 जनवरी को ये उत्सव हर साल मनाया करें। महिला पुरुष बच्चे नौजवान हर कोई इसमें कर रहा है अपना योगदान, वहीं बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ने वाले हैं, जानेंगे कितना उत्साह है। जी सबसे पहले आपका परिचय जाने। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, प्रताप सिंह चाहर मेरा नाम है, और मैं आज जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी जामवंत और अंगद बानरों की सेवा ने लंका की विजय हासिल की थी और वहाँ राक्षसों का वध किया था। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष के कारसेवकों ने बाबरी के ढांचे को, जो बाबर ने 1528 में अत्याचारी ने जो बनाया था, हमारे राम मंदिर को तोड़ दिया था, वो हमारे कारसेवकों ने बलिदान किया और छाती पे गोली खाई। बल्कि मुलायम सिंह मुल्ला जी ने तो हमारे कार सेवकों के खोपड़ी में गोली मारी, जबकि निगम यह कहता है कि पैरों में गोली मारी जाती है, भाग जाते तो कार सेवकों। लेकिन लंका पर विजय हासिल करने के बाद में राम जी ने जितने भी बानर सेवा मारी गई थी उन सबको जिंदा कर दिया था, अमर कर दिया था। लेकिन में योगी मोदी जो राम का रूप है, जामवंत का रूप है, हनुमान का रूप योगी जी है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे कार सेवक बलिदानी है, जिनके परिवार उजड़ गए, उनकी मदद करने के लिए माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री योगी जी, यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय मानव में सर्वश्रेष्ठ इंद्र के समान उनका कोई मुकाबला नहीं विश्व में नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि जिन बलिदानियों ने बलिदान किया और अत्याचार किए, ढांचे को ऊपर चढ़ करके तोड़ मोड़ दिया और भारत माता का झंडा। अगर हम बात करें 6 दिसंबर 1992 की, तो कैसा दिन था, कितना लोगों में खौफ था उस दिन? मैं प्रचंड आदमी हूँ, प्रताप सिंह चार हूँ, मेरी उम्र 85 ईयर एज है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बहादुर कारसेवकों ने गोली चलते हुए भी और ढांचे के ऊपर चढ़ गए। ढांचे के ऊपर चढ़ करके मामूल काम नहीं है, पत्थर से लड़ाई लड़ना। कारसेवक वो जामवंत, हनुमान, अंगद ऐसे बहादुर कारसेवक थे जिन्होंने बाबरी ढांचे को, बाबरी अत्याचार था। कितना उत्साह है अब लोगों में, कितना उत्साह? ओहो, इसकी कल्पना ये बाड़ी का विषय नहीं है। ये जो उत्साह है भारत में नहीं विश्व में, सनातन धर्म का विश्व के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो देखने लायक है। हमारा भारत नहीं, हर सनातनी में उत्साह का माहौल है। भारत ही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और विश्व में इस उत्साह को मनाया जा रहा है। दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे हैं, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा भारत के जिलाध्यक्ष सौरभ जी मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरीके से उत्साह है लोगों में। सौरभ शर्मा, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा आगरा, जिस तरीके से पूरे विश्व में राम लहर चल रही है और पूरे उसके साथ हर्षोल्लास के साथ हम 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएंगे, और जो हमारे कार सेवक राम भक्तों ने जो बलिदान दिया है, अपनी आहुति दी है, उनकी उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कार्यक्रम रखा गया, उनका हवन किए हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और पूरा देश राम में भक्ति में हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आगरा के सदर बाजार में उत्सव का माहौल है, हवन हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है और लोगों में काफी उत्साह है। केसरिया ध्वज हर दुकान, हर प्रतिष्ठान, हर मकान, हर छोटे बड़े वाहन पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जय श्री राम के उद्घोष नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर लोग ढोल लेके आए हुए हैं, जहाँ की ढोलों से बजाने की उनकी तैयारी की जा रही है, इस उत्सव को बजाने का शुरुआत की जा रही है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच रहे हैं और लगातार लोगों में उत्साह जो दिख रहा है, बहुत आगे
असीम पल है। इस पल को शायद हर व्यक्ति अपने अंदर समाना चाहता है, देखना चाहता है। इसको जीवन में जिन्होंने सोचा था कि हम भगवान श्री राम के मंदिर को स्थापित होते हुए देखेंगे, भगवान श्री राम को उस मंदिर में स्थापित होते हुए देखेंगे, आज वो खुशी का दिन है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचने में लगे हुए, जय श्री राम के उद्घोष, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर तरफ राम में पूरा देश हो चुका है। मैं आपसे आगे और भी लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि देखिए, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पूरा बाजार सज चुका है। हर कोई अब इस दिन को संजोए रखना चाहता है। लोग चाहते हैं कि काश आज का ये दिन उनके लिए रुक जाए। चलिए आगे और लेके चलते हैं, प्रातः दर्पण न्यूज पे आपको आगे के और दिखाएंगे किस तरीके का है माहौल। तब तक जुड़े रहिए आप प्रातः दर्पण न्यूज के साथ।